गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द फैक्टर अफेक्टेड ऑफ डैम। डैम साइट को डिजाइन करने से पहले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपन को कंसीडर करने पड़ते हैं, एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी डैम की जियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, या अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द जियोलॉजिकल फैक्टर विच इज कैरीड आउट ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ डैम। डैम की डिज़ाइन के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अपन कंसीडर करते हैं। आइए बात करते हैं डैम की। डैम इज़ अ सॉलिड बैरियर और ऑब्स्टिकल विच इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्टॉपेज ऑफ वाटर इन एनी रिजर्वायर। किसी भी रिजर्वायर में आपकी वाटर को स्टॉप करने के लिए, वाटर को रोकने के लिए, या पर्टिकुलर रिजर्वायर में वाटर का स्टोरेज करने के लिए जो भी अपन सॉलिड बैरियर एक ऑब्स्टिकल डिज़ाइन करते हैं, वो ऑब्स्टिकल या बैरियर कहलाता है आपका डैम। तो जो आपका डैम है वो डैम डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड द जियोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जियोलॉजी क्या है एंड आपने डैम को डिजाइन कैसे किया है, ये दो फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपके डैम की जियोलॉजी किस टाइप की रहेगी। गॉट इट। आइए बात करते हैं कि डैम लोकेशन इश्यूज क्या हैं। आपको डैम डिज़ाइन करना है, उसके फैक्टर कंसीडर करने हैं, तो आपको कौन कौन से फैक्टर देखने होते हैं। आपका फर्स्ट फैक्टर है कैचमेंट एरिया, सेकंड है डिज़ाइन ऑफ रिजर्वायर, फिर क्या है आपका स्लोप स्टेबिलिटी, आपको स्लोप की स्टेबिलिटी क्या रखनी है, देन है आपका फाउंडेशन रॉक्स, और फिर क्या है सिल्टिंग। सिल्टिंग मींस आपके डैम पे जो भी सॉयल प्रेशर आएगा, सॉयल के जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो सिल्ट कहलाते हैं, जब सिल्ट का प्रेशर आएगा उसको अपन सिल्टिंग बोलते हैं। या फिर आपके डैम में जब भी सीपेज होगा, सीपेज होने के कारण जो आपके डैम में सॉयल है या नियर बाय जो सॉयल है, वो सॉयल वाटर के साथ पानी आपके वाटर के साथ आपके डैम पे एक फोर्स लगाती है, उसको क्या बोलते हैं सिल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। आइए जानते हैं व्हाट आर द जियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज डैम। अपन ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और इंजीनियरिंग फैक्टर्स जो अपन किसी डैम में कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट आपका है स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ डैम ऑन इट्स फाउंडेशन। उसकी फाउंडेशन की डिज़ाइन अपन करेंगे, देखेंगे कि उसकी सेफ्टी किस टाइप की है एंड स्टेबिलिटी क्या है। वाटर टाइटनेस ऑफ रिजर्वायर बेसिन, आपका जो रिजर्वायर का बेसिन है, रिजर्वायर का जो एरिया है वो वाटर टाइटनेस है या नहीं है, मींस वो आपका इम्परवियस मटेरियल से डिजाइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, अपन ये देखेंगे। ऐसा ना हो कि अपन ने डैम डिजाइन किया और डैम से सीपेज होने लगे। फिर अपन देखते हैं द स्लोप स्टेबिलिटी ऑफ रिजर्वायर पैरामीटर। आपकी जो भी डैम है, डैम का जो स्लोप है, आपका जो रिजर्वायर है उसका स्लोप है, उसकी स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं। फिर अपन देखते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। उस डैम को बनाने के लिए वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, इसकी अपन सुइटेबिलिटी देखते हैं। ये आपकी होती है इंजीनियरिंग प्रोसेस या जियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर डिजाइन एनी डैम। फिर अपन बात करते हैं आपकी प्रिलिमिनरी सर्वे या प्रिलिमिनरी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। आपका फर्स्ट होता है टोपोग्राफिकल स्टडी। उस पर्टिकुलर एरिया की अपन को क्या करना है, टोपोलॉजी देखनी है कि टोपोलॉजी में क्या हुआ, वहाँ के कंटूर मैप्स, ग्राउंड प्रोफाइल, एलिवेशन, डिप्रेशन, इट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। तो अपन टोपोलॉजी देखेंगे। देन बात आती है रिजर्वायर लोकेशन, आपकी रिजर्वायर की लोकेशन क्या है, उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, मीन सी लेवल, ये अपन सभी चीज़ें उसमें कंसिडर करते हैं। देन पैथोलॉजी स्टडी मीन्स वहाँ पे अवेलेबल रॉक्स, रॉक्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फोल्ड, फॉल्ट, रॉक जॉइंट्स, मिनरल्स अवेलेबल, इट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी स्टडी। तो अपन को क्या करना है, पैथोलॉजी स्टडी भी देखनी है। देन बात आती है मिनरोलॉजी स्टडी, वहाँ पे अवेलेबल मिनरल्स एंड मिनरल कंपोजिशन, मिनरल्स की भी अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है। बात आती है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में
स्ट्रक्चर ऑफ अ रॉक मींस आपके रॉक में किसी भी टाइप का फोल्ड है, फॉल्ट है, वहाँ पे जॉइंट्स हैं, उसकी अपन को स्टडी करनी है। फिर देखेंगे जियोलॉजिकल फैक्टर लाइक फाउंडेशन कंडीशन, वाटर टाइटनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिस पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन आपका नेक्स्ट है जनरल एग्जामाइंस ऑफ रॉक्स, रॉक्स को एग्जामाइन करना है, रॉक को पहचानना है, रॉक की प्रोफाइल देखनी है, रॉक की प्रॉपर्टीज देखनी है, वो प्रॉपर्टीज अपने लिए सूटेबल हैं या नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया पे बिना पहुंचे वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विद हेल्प ऑफ GIS और रिमोट सेंसिंग, वहाँ की लोकेलिटी, अवेलेबल प्लांट्स, सराउंडेड एटमोसफियर, वहाँ का एनवायरमेंटल स्टडी, क्लाइमेटिक स्टडी, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। फिर करना अपने लिए प्रिलिमिनरी ड्रिल होल्स, जब आपकी फाउंडेशन डिजाइन होगी तो अपन को जो भी ड्रिल होल्स करने होंगे होते हैं वो होल्स आपके वहाँ पॉसिबल हैं या नहीं है, इसकी भी आपको स्टडी करनी है, इसकी भी आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम साइट, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम साइट। तो इसमें अपन जियोलॉजिकल टॉप सीट डिजाइन करते हैं, देन एरिया विथ रेफरेंस टू जियोलॉजी मींस जिस एरिया में आपको डैम डिजाइन करने हैं वहाँ की पर्टिकुलर एरिया के रेफरेंस लेके अपन क्या करेंगे, जियोलॉजिकल मैप डिजाइन करेंगे जो शो कराएगा कि आपकी पर्टिकुलर एरिया में वो डैम बनाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। स्टडी ऑफ रॉक टाइप्स, वहाँ पे अवेलेबल रॉक्स जो हैं उस रॉक की आपको स्टडी करनी है। स्टडी फॉर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी ऑफ द एरिया, एरिया की क्या करनी है आपको, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी करनी है। देन हिस्ट्री देखनी है आपको, इसमें अपन देखेंगे कि उस एरिया की, उस डैम की जो रिजर्वायर है उसकी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी क्या है, आपका रनफॉल क्या है, मीन्स आपका जो मास रेनफॉल कर्व वहाँ पर डिजाइन हुआ है वो उसको अपन चेक करेंगे। फिर देखेंगे अपन स्टडी ऑफ स्ट्रीम चैनल्स विद डिफरेंट ऑर्डर मीन्स अलग अलग टाइम पे उस पर्टिकुलर रिवर में, उस पर्टिकुलर रिजर्वायर में जो वाटर की कंडीशन रहेगी, उसकी फ्लो होने की कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन को देखना है। उस पर्टिकुलर एरिया की आपको सेस्मिक स्टडी करनी है। फिर आपको उस पर्टिकुलर एरिया की जियोमॉर्फिक स्टडी करनी है। फिर आपको एक जियोलॉजिकल मैप डिजाइन करना है। देन स्टडी फॉर कोर ड्रिल डाटा आपको कलेक्ट करना है एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एरिया, ये सभी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी होती हैं। ये आपके फैक्टर्स होते हैं किसी भी डैम को डिजाइन करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको आते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।